भाई वह जो बेबे है वो आठ गांव की है। अब गाड़ी में बैठ लिए, अब हम चल रहे हैं वहां पे। भाई अभी पिल्लू खेड़ा पहुंचा हूँ और पिल्लू खेड़ा से गांव लिंक रोड से है, वहां से होता हुआ निकलूंगा। और अभी बात भी हुई थी, देखते कितनी दूर रोड है। पहुंच तो गई अब इस घर में, चलो अपने भी दिखा देता हूँ। यो घर है, पूछो है भाई, थोड़ा सा ध्यान से लगेगा। ओके भाई, उन्हें भी मना कर दिया था, सारा थार दिया रहा था, तो उन्हें एक चोपड़ा है उस आदमी, और एक है होली हॉस्पिटल, उसमें हर एक दुनिया के लोग बैठे थे, तो उसने भी मना कर दिया था। चलो भाई, यो भी ना पैरों की भी जुड़ी पड़ी है और ये आंगलियां भी जुड़ी पड़ी हैं, सब कुछ यूं जुड़ा पड़ा है। कितने साल से बीमारी में भाई? 20 साल के करीब हो गए कम से कम। पीजीआई तक ट्रीटमेंट चल रहा था 3-4 साल तक, तो उन्होंने बोल दिया। फिर हमने पूछा कि आप हर बार वो ही दवाई दे दो, कोई चेंज नहीं करते, और मतलब तकलीफ मेरी बढ़ती जा रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कि इससे आगे कुछ नहीं है, बस पेन किलर इंजेक्शन है, मैं इसी कंडीशन में ला देंगे जब आपने सांस आना भी मुश्किल हो लेगा। घुटने बिल्कुल ही नहीं मुड़ते जी? ना, बस ये जितने ही है ना इतने रहना थी सीधे उत्ते, और ना ये इससे ज्यादा मुड़ सकती है। इन्हें रात में सोते टाइम भी इन्हें ये रखने पड़े। मतलब महीने की दवाई ये नहीं निभा पा रहे भाई? ना भाई, बिल्कुल भी नहीं भाई। सारे भाइयों ने भाई राम राम। इब मैं आठ गांव के उस घर में पहुंच चुका हूं, और कहां से बात शुरू करूं थोड़ा सा कंफ्यूजन है। फिर भी घर से चला था वीडियो बनाता हुआ, बीच की कुछ लोकेशंस आपको दिखाई थी, और आठ गांव के उस घर में पहुंच चुका। यहां पे है हमारी बेबे रेखा और अनीता, ननद भाभी है ना। रेखा नाम है ना अपना? हाँ भाई, रेखा। आपका नहीं? राम राम जी। हाँ, अनीता मेरा नाम। आप भाभी हो इनकी? हाँ। ओके भाई, ये ननद भाभी हैं, और अभी ये हमारी बेबे नू बैठी है। आपने मैं दिखाऊं, इसकी उंगलियां भी यूं जुड़ी पड़ी हैं। एक बार दिखाइए भाई, देखा ना ये ना, कोई बात नहीं बेबे, पैर रख के नाने। तो ये उंगलियां पैरों की भी जुड़ी पड़ी हैं, और ये आंगलियां भी जुड़ी पड़ी हैं, सब कुछ यूं जुड़ा पड़ा है। बीमारी है गठिया की, गठिया बा की शिकायत है। मैंने एक वीडियो बनाई थी भाई गठिया बा का इलाज के लिए, अगर कोई डॉक्टर कोई वैद्य आपका जानकार हो तो बता दो, लेकिन यार एक्सपेरिमेंट नहीं करना हमने। यूं नहीं कभी किसी ने भी किसी का भी नाम सुना और बता दिया भाई उड़ागाम में जाकर दिखा लो, नो तो ये सारे देश में घूम लिए। कोई पक्का सा हो तो बता दो भाई, पहली बात तो ये। अब बात कर ले मैं रेखा से। कितने साल से बीमारी में?
भाई 20 साल के करीब हो गए कम से कम। जुड़े कितने साल हो गए जुड़े? ये स्टार्टिंग में तो मतलब पेन होया कर था, दर्द होया कर था, फिर धीरे धीरे दो तीन साल के बाद फिर ये मुड़ने शुरू हो गए, हाथ पैर उंगली सारे ज्वाइंट जितने भी बॉडी के ज्वाइंट है ना सारे थोड़े थोड़े धीरे धीरे जुड़ने मुड़ने शुरू हो गए। और फिर इब तो इतनी कंडीशन है कि ये देख लो कितनी मुड़ी हुई आंगली। यह कंडीशन कितने साल से है? या भी हो गए होंगे कम से कम 15 साल। सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पाऊं वो तो ठीक है, मैं हिम्मत कर लू ना तो जीण की हालत तो है नहीं, कंडीशन तो डॉक्टर के को है आज के डॉक्टर PGI तक ट्रीटमेंट चल रहा था 3-4 साल तक, तो उन्होंने बोल दिया। फिर हमने पूछा कि आप हर बार वो ही दवाई दे दो, कोई चेंज नहीं करते, और मतलब तकलीफ मेरी बढ़ती जा रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कि इससे आगे कुछ नहीं है, बस पेन किलर इंजेक्शन है, वे इसी कंडीशन में लगेंगे जब आपने सांस आना भी मुश्किल हो लेगा। तो फिर हमने सोची ठीक है अगर यो इलाज चलेगा तो फिर तो जान का कोई फायदा नहीं है, अपना ये दवाई घर पर रह कर ले लेंगे। भाई ये गठिया बाकी शिकायत है और डॉक्टर जवाब दे रहा है, सीधी सी बात यह है। और घर में एक औरत की क्या क्या समस्याएं, किक के काम है या कुछ भी नहीं कर पाती, या जो इनके भाभी है या काम करावा है, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक एक आम औरत के किक के काम हैं वो सारे काम, या भाभी करवाओ भाई, तो भाभी से बात कर लेवा इनकी। रात ने भी भाई करवट लेनी पड़े, रात ने भी फरी नहीं रंदे। अच्छा रात ने जब करवट बदलो तो भी है? हाँ भाई हर एक काम तो करवट तो भी, हाँ करवट भी आई बदलवावे। भाई देखो यह मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ और बहुत सारे लोग उनको होंगे कि भाई वीडियो की जरूरत के है बनाने की, या जब इतनी बीमार है इतनी कंडीशन, जब डॉक्टर भी हाथ से जोड़ रहा है तो या खैर चेयर तो किसी ने दई थी भाई, या चल फिर नहीं सकती कुछ नहीं कर सकती, तो या चेयर किसी ने मदद खातर दी, इन्होंने तो नहीं खरीदी, किसी ने मदद खातर दी भी ले भी कोई बात नहीं। लेकिन यह वीडियो बनान क्यों लग रहा हूँ मैं, हालांकि नन्हे डॉक्टर की ज़रूरत है, खर्चे की भी ज़रूरत है और सारी ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारे यूट्यूबर इसलिए भी नहीं आ पाए क्योंकि यह फैंसी रवा है। देखो बहुत सारी औरत बोलेंगी कि बेचारी की नजर आई तो देखेंगे, मैंने बोलेंगी आई बेचारी, भगवान उठा लेंदा इन्हें, जो पहले होया कर दी बात तो मेरे दिमाग में आई तो बेचारी क्यों, जब मैं इतनी बीमारी झेल कर इतनी तकलीफ झेल कर भी किसी तो कुछ नहीं बोल दी कि मेरे तकलीफ है दर्द है कुछ भी है ना, मैं दिखांदी तो बेचारी क्यों बोल रहा मैंने ये। तो फिर मैंने सोची बीमारी तो दिखूंगी मैं बेचारी हूँ शायद थोड़े बढ़िया तरीके से, और मैंने ठीक थी जब भी मतलब बढ़िया तरीके से रहा करूँ थी, जब भी मेरा अलग स्टाइल था सारी लड़कियाँ मैं गली में, तो फिर वो कंटिन्यू रखा मैंने। मैंने सोचा अब डबल करने की ज़रूरत है, ठीक ठाक ना तो उतनी ज़रूरत नहीं होती, बस बढ़िया कपड़े पहन लो ठीक, पर मैंने डबल मेहनत करनी पड़े इब कर, 1-1.5 घंटा तो इन्हें भाभी ने रोज़ बैठान में लग जा व्हीलचेयर पर बैठने तो पहले 1.5 घंटा लगे हमारा यहाँ से यहाँ पर बैठने में 1.5 घंटा लगे। हाँ जी, तो फिर मैंने सोचा शायद यो मेरे स्टाइल ना देख कर मेरे बीमारी पर ध्यान ना जा कर मेरे लुक पर ध्यान जा मतलब स्टाइल पर, तो उतना ये ना सोचा कि मैं कितनी बीमार हूँ, और वही बात भी हुई भाई, तो बहुत से लोगों ने तो पता भी नहीं चलता कि मेरा दिक्कत की है कितनी है, कुछ लोग तो ये सोचे हैं कि बस पैरा में दिक्कत होगी, जो कर पैरा तय नहीं अपाई जो जहाँ वो दिक्कत होगी बस, बाकी तो यार ठीक है सब कुछ बढ़िया है। और कुछ लोग बोला है एक आधे तो बोल दें कि फैशन के लिए बैठी हूँ पता ही नहीं चलता कि मैं बीमार हूँ, पैरा में भी कोई दिक्कत है, तो मेरा वो मकसद तो कामयाब हो गया। देखो भाई मैं अपने बता दूँ, ये जो पैर जो इस टाइम 90 एंगल पे हैं, ये पैर ना तो यूं मुड़ते और ना सीधे होते, भाभी ने ज़्यादा पता है कि के मुड़ा है कि नहीं।
घुटने बिल्कुल ही नहीं मुड़ते जिनके ना बस ये जितने ही है ना इतने रह ना तीन सीधे उत्ते और ना ये इससे ज्यादा मोड़ सकती है इन्हें रात ने सोते टाइम भी नू ये रखने पड़े मतलब जुकर है नू की नू लेटानी पड़े हाँ बस नू की नू इसका घने सारे तकिए है लाल लाल कने छोटे छोटे और बड़े बड़े मैं हमने जो खुद घरा बना रखे हैं क्योंकि मार्केट में ये चीजें इसके हिसाब की मिलती नहीं अच्छा तकिए वगैरह आपने बना रखे हैं हाँ, आपे बनाओ फिर ये काम हाँ, दिखाई हो किसी तकिए करनी पड़े है उस हिसाब से हमने खुद बना रखे एक बार तकिए दिखाओ कौन से हमें देखो भाई उतरी गए दिन के अलग हैं रात के अलग हैं अलग अलग जुकर दिन में तो सीधी लट है तो अलग टाइप के लगाने पड़े हैं अगर रात ने जुकर में लट है अड्डी होकर है तो उस टाइम अलग लगाने पड़े हैं ऊपर तक ही दिखाओ उत्तरी का 71 कुत्र गणा है सुधा पड़े हैं हां ये बहुत सामान है इसका ये देखो ये जो है ना और ये जो तकिया है ना जो हमने बहुत खूब बात कर रखी इसके ऊपर बनाने पे इन्हें कोई कोई दिन एक एक हफ्ता दस दस दिन लग जाए हमने इसकी सेटिंग करन में ये जुकर जुकर जीता ऊंचा नीचा मोटा पता चाहिए उस हिसाब से हमने ये जोड़ लाल लाख बनाने पड़ने फोम गाल गाल करने इसमें फोम गाल रखी ताकि ये सख्त हो गया चुभे भी ना इसके अरे एक यो ये सारे तकिए तो इन इसने चाहिए हैं रात ने अच्छा ये एक दो तीन चार पाँच ये पाँच तकिए हाँ अरे एक और ये रहा एक ये भी चाहिए है रात ने छः और ये जो चीज है ये भी सारी रात ना चाहिए है इसने ये भी पाया के बांधनी पड़े है साथर के ना तो चीज हो जाए फिर इसके पा में एक या गर्म पट्टी है या आंगड़िया के बांधनी पड़े यार एक कीते कीते को घुमा घुमा के अपने हिसाब से बांध या एक या कत्तर है इस कत्तर ने एक हफ्ता लग गया था हमारा बनाने में या इसकी सेटिंग नु को नहीं पड़ा मड़ी सी भी ऊपर या नीचे हो जाती इसने दिक्कत हो जाए या गुम हो जाए ना तो यार रात ना सो नहीं सकती इसके बिना एक रात भी काट नहीं सकती है। जितना सामान है एक भी गुम हो जाएगा तो मेरा दिन रात नहीं मतलब काट सकूंगी मैं देखो इन कातरा तो इन तकिया तो आप इनका यूं देखो भी कितनी घर में अमीरी है क्यूकर जिंदगी कटे है 4,000 रुपये महीने की दवाई ये नहीं निभा पा रहे भाई दवाइयाँ 4,000 रुपये की नुका बहुत महंगी है किसी खातर तो 4,000 कुछ भी नहीं उधर किसी खातर तो नुका जी हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं कि 4,000 रुपये की दवाइयाँ हम ले सकें इसलिए हमने तो 1,500 रुपये की महीने की दवाई की ही कैपेसिटी उतनी ही ले सका हाँ जी एक ये हैं ये भी इन्हें 12 महीस गालने पड़े हैं कोनिया में ये क्योंकि आठ से लकड़ रहे हैं ना और चुभन लग जाए फिर इसकी खाल छुल जा है इसकी दिक्कत ज्यादा हो जाए गुनी दवाइयाँ की वजह तक गुनी सेंसिटिव स्किन हो रही है या है एक या पट्टी सी बना रखी है या आँखें पैक गालनी पड़े इन कन्ना पैक क्योंकि कन्ना की भी गुनी छुल जा है जख्म हो जाए हैं या रात ने गालनी पड़े है और ये जो है ये सारे लाने पड़े हैं दिन में इसने ये दोनों कोनियाँ नीचे लग गए हैं एक यो है यो साइड में लगाना पड़े ताकि जो को का नीचे ना गिर जाए हाँ जो को जाए ना तो फिर ये लाख मेरा सारा लग जाए एक यो है एक यो ये दोनों या पेट पर रहे है ताकि नू पेट पर हाथ नहीं धर सकती है चीज हो जाए इसका अच्छा हाँ ये तकिया धर कर जब इनके ऊपर हाथ धर है या जब इसने लौटना पड़ा है ये हैं ये दोनों पंजा के नीचे धरने पड़े हैं एक पंजा के नीचे बड़ा और एक के नीचे छोटा अगर ये नू को ना आख भी है नू है तो अगर इसने कोई से नीचे धर दे इसने कोई से ये पाया के फिक्स कर रखे हैं यो पर ले पाँख नीचे धर अगर यो ले पाँख नीचे एक यो है एक या है या गोड्डा के बांधनी पड़े है इसके इसके साथना के मैं कर गोड्डा के मैं कर लेकिन और जब यह बांधनी पड़े है इसके ना तो इसके फिर दिक्कत हो जाए अपने आप इसने इतना सारा नहीं मिलता वो फिर नू जोक सा हो जाए ना पाका फिर इसका चीज शुरू हो जाए एक यो है और एक यो जो बैठ जाओ तो फिर इसने हाथ धरन ती भी व्हील चेयर पर बैठे है तो इसने हाथ धरन ती चाहिए कदे फोन धर लिया या थोड़े स्पोर्ट ती एक आदि भी अच्छा, फोन रख रखे स्पोर्ट खातर इस पर फिर दोनों हाथ रखे जावे दिक्कत ना हो ना तो फिर दर्द शुरू हो जावे और ये रुमाल का भी पहले रुमाल का स्पोर्ट है फिर ये इसके ऊपर ये फोन का ये दोनों चीज स्पोर्ट के खातिर है ये टांग चौड़ी कितनी हो खुले कितनी है बस ना बस। ये तो जोर तो नहीं आराम तो इतनी मत जोर लगा के ये जॉइंट भी जुड़ रहे हैं ना ये जोड़ भी जुड़ रहे हैं हाँ तो ऐसे चौड़े तो याड़े तो होंगे ना
तो यार तो इतना ही हो पावे है बस यहाँ हाथ भी है वैसे छोटे 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 ये अपना भी इतने बस और ये इतने सी देह भी बैंड हो रहे मुड़ रहे हैं देखो भाई समस्याएं बीमारियां कितनी हैं घर में आज इस आठ गांव में आए हाँ और सिर्फ ये देखण कि भी गुजारे क्यों करो घर में गुजारे गरीबी में तो आदमी काट ले लेकिन गरीबी के साथ अगर बीमारी भी हो और ऐसी बीमारी खड़ी तो नहीं सकती फिर इसका मतलब ना भाई बिल्कुल भी नहीं थोड़ी सी भी नहीं या भाभी ये उठा गोद में उठा कर सारे काम करवावे बाथरूम तक जाना फिर या फिर कहीं जा रहे हैं हॉस्पिटल में गाड़ी में बैठानी उतारनी सारा काम यही करे इधर आ जा भाई तो फिर आपके दिमाग में क्यों कराया जी या भी बरने भी घूमे यू सारा सुधा आप सोचो ही ये बात हाँ कई बार जो कर बढ़िया मौसम होता नहीं मैं बाहर जाती मन बहुत बढ़िया लग गया करता कभी ऐसा मौसम आता है मैं कितना घूम का हूँ एक दिन मैंने ये तीर्थ पे जान लग रही थी दादा तीर्थ पे हमारे मंदिर है हमारे गांव में हर तय मेरा है ना बाहर लिखते आप दिमाग में आई देख मारा बाहर हंडन ने जी करा है इसका भी जी करता होगा मैं फिर उल्टी आएगी मैं इस तबूजन लगी मकारे खा तेरा भी जी करता होगा बारह हंड्रन फिर जब मारा जी कर रहता है तू तो ये सारे आने एक खाट के ऊपर लौटी रहे एक कमरे में या बोली हाँ मेरा भी करा है इसने जो कर कह दिए कि भी जो इसके दिमाग में थी इसका जी तो सब का ही करा है कोई नहीं चाहता खाट पर लौटने की तो फिर मैं बोली मैं कहता चल ठीक सब मैं तेन मका तीर्थ पर घुमा के लाऊंगी व्हील चेयर पर बिठा के जब वह उसी भी हाँ जब वह उसी व्हील चेयर थी वो धक्का ला कर चलाना वाली दूसरे वहां से ला करता या बोली बोला कि सब के कहेंगे लोग सब मेरे कहने देखेंगे मैं तो बीमार हूँ अरे नु बेचती ही मारे या कदे बाहर गई ना थी इन ऐसा लगा था जनू उबेरना कौन सी दुनिया है दूसरी इन्हें तो बस इसकी तो दुनिया इस कमरे के भीतर रह ली थी इस चार दीवारी है जो इसके भीतर इसकी दुनिया थी फिर मैंने भी थोड़ा है इसका सपोर्ट कराया फिर इसका भी जी कराया कि भाई चल या कह रही है तो देख लूँ जाकर एक दो पे मैं इसने लेगी इसने फिर बढ़िया लग गया बाहर घूमना फिरना फिर हमने सोची चल लोगों ने जो कहना है कहे जाएंगे हमने अपना देखना है इसकी खुशी इसकी जिंदगी तो जिसी है उसी है बीमारी तो लेकिन हम इसकी वजह तो हम इसकी जो मन की इच्छा हमें तो पूरी कर सके हैं कम तक हम जो हमारे बस की है हम वो कर सके हैं तो जितना हमने करना चाहिए उतना हम कर ले फिर मैं इसने ले जाने लगी तीर्थ पर फिर इसने थोड़ा हौसला मिलने लग गया इसका मन खुश रहने लग गया फिर जहाँ तया बाहर जाने लगी भाई या इनकी भाभी और यूट्यूब चैनल बनाने की के दिमाग में आई भाई पहले तो मैंने ना फेसबुक तो शुरू कराया था अच्छा। जी जग तो थी जो वो तो थी ये फेसबुक पे भी है पेज हाँ भाई किस नाम से पेज मतलब नॉर्मल तो आईडी तो रेखा बुरा के नाम से ही है अच्छा। और पेज खोल रखा है फ्लाइंग डॉट ऑन डॉट व्हील्स के नाम से फ्लाइंग डॉट ऑन डॉट व्हील्स मतलब व्हील चेयर पर बैठने के बाद भी मतलब उड़ान हाँ फ्लाइंग ऑन व्हील्स फ्लाइंग ऑन व्हील्स हाँ फ्लाइंग ऑन व्हील्स के नाम फ्लाइंग डॉट ऑन डॉट व्हील्स ओके हाँ तो यूट्यूब फिर कुकर दिमाग में आया तो फिर मैंने सोची फेसबुक पर तो ज्यादातर आदमी मिला ना लड़कियां थोड़ी कम ही है तो मैं चाहती थी कि सब जाना मन औरत आदमी छोटे बड़े सब जाना और बीमारी तो आपने देख ली दिक्कत कितनी है पर मैं उस दिक्कत की वजह तक नहीं जाना ये नहीं देखें कि बेचारी तो इतनी बीमारी मतलब दिक्कत होने के बाद भी हिम्मत है कितनी हिम्मत है क्यों कर जिस का आदमी हिम्मत और हौसले तय तो मैंने वो ही दिखाना था यो मकसद था मेरा जैसे हमने यूट्यूब चैनल खोला अपना कितने सब्सक्राइबर के आर मान लो कोई बात नहीं दिक्कत है तो और मैं अपना हर एक दिन आखिरी दिन समझ कर जीऊं भाई जय तय मैं इतना उस लेता जी पाऊं मैंने मेरी एक फेवरेट फिल्म है आनंद जिसमें अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना हुआ है तो राजेश खन्ना के जो डायलॉग है ना वो मैं उस फिल्म से बड़ा प्रभावित हूँ तो जब मेरी इस बेबे भाभी से जब बात हुई भाभी ने बोली भाई मारा नुनू है आप आ जाओ एक बारी तो इन्होंने वीडियो भेजी और वीडियो भेजने के बाद जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने वो फिल्म दिमाग में रिकॉल कर गई तो मैंने सोचा भाई तो ज़रूर जाना चाहिए तो मैं आज इस घर में आया हूँ और इस घर में जब इस बेबे की सीन देखा ना वहाँ पे बैठी यहाँ पे बैठी और
एक एक काम कराने, बड़े रोने वाले सीन थे यार। और बड़ा मुश्किल है ये जीवन कैसे कटा है। अब मैं गाड़ी में रहूँ, कई बार कमर बांगी हो जावे है, 200-400 किलोमीटर घूम लूँ, फिर थक जाऊँ, फिर घर जाके बड़का ने भी धमका दूँ और जाकर सो जाऊँ और अक्कड़ पाड़ूँ थक गया मैं नूँ और नू। उन सब से हम तो गणे खा लिया हाँ, ज्यादा बकवास करा हाँ। असली तकलीफ तो भाई यह है, इस पीड़ा ने अगर कोई समझा है ना, तो वो तो भाई मैं तुम्हें कहूँगा भगवान है वो। और कोई आके इस परिवार की, इस बेबे की कोई मदद करे, कोई डॉक्टर है तो वो आके इसका मदद करे। यूं ना हो कि जी हमारे पास आ जाओ और हम आपका इलाज कराएंगे। पता नहीं कितना तो खर्चा इनका आने जाने में हो लिया, विश्वास ही नहीं रहा डॉक्टर पे। झाड़फूक वाले तो रवि जाए होंगे जी आप। हाँ, जिसने भी जीत भी बताया है ना, कोई कहते हैं फलानी जगह बाबा है, वो झाड़े लावे है, उड़े जाओ, फिर अपनी गरज में जाना पड़ा है, कोई ऑप्शन नहीं दिखता। जब बीमार नु देखी भी ना जाती है, तड़पती, कोई देसी दवाई बता दे है, कोई ये होम्योपैथिक बता दे है, कोई अंग्रेजी बता दे है, जितने भी बीमार पर कोशिश हुई ना, हम हर एक जगह लेकर गए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया है, जीरो आया है गति। कुछ जगह पे तो ये भी बताया भाई उड़ा फ्री में दवाई दे है, और ये उस दूसरे राज्य में भी गए और उड़ा जाके भी जब फ्री के नाम पे गए तो 20-20 हज़ार रुपये लिए और 20 हज़ार रुपये भी दे दिए। क्यों कर मामला होता जी, पहला जो कर मारता है नाम ना लियो किसी डॉक्टर का, फिर भी जी मार तक किसी ने बताई है कि भाई फलानी जगह कोई डॉक्टर है और वो फ्री में इलाज करे है और गारंटी है, वो बढ़िया दवाई देवे है। हम गए उस दौरे, उसने इसकी हालत देखी, देख कर बोलिया कि मैं तक 3-4 महीना में पाया चला दूंगा और कोई तो 100% का कर, मैं तो 200% मतलब गारंटी ली हूँ इसकी, उन्हें 200% ली थी। फिर हमने उसकी दवाई ली, अच्छे दिन ली, एक महीना ली थी, 5-4 दिन कम रहे होंगे वैसे, पर फिर इसकी हालत ना तो मतलब और ज़्यादा सुधरी और बिगड़न के मतलब मान लिया 1-2% ज़्यादा ही हो गया इसके। हाँ, और फिर इसकी जितनी बिगड़ जाए ना, फिर उससे सुधरनी मुश्किल हो गया है, तो फिर हमने वहाँ मजबूरी में बंद करनी पड़ी। फिर वह दवाई 20,000 रुपया की दवाई दी थी फ्री के नाम पे, गए और 20,000 रुपये मांग लिए। समस्या कई जगह है, धर्म संकट कई बार हो जावे है। और आज या बेबे नहीं, हमने मजबूरी में वह 20,000 की भी लानी पड़ी, क्योंकि हम 7,000 किराए के देख जा रहे थे गाड़ी के, हमने सोची मार दो, और कोई ऑप्शन नहीं था कि हम अगर ना लेके गए ना, कदे मन में पछतावा नहीं रहे, अगर हम वह दवाई ले आते तो केवरा आराम हो जाता। हमने वे जा तो नू सोच के मैं 20,000 भी नहीं लेके जा रहे थे ना, हम तो पीछे भी नहीं लेके जा रहे थे, हमने तो किसी रिश्तेदार पे फोन करवा कर ने, हाँ, और जब मैं उसके अकाउंट में गिरवाए थे, हम तो 5-4 हज़ार रुपये ले गए थे, मगर पीछे तो लेता नहीं, फ्री में देवे है, फिर भी हम 5-4 हज़ार नू ले गए थे, मगर दूसरी स्टेट में जाओ डाल गाड़ी में कुछ दिक्कत हो जाए, फिर थोड़े बहुत दिन डॉक्टर लेने लायक जाए, टेस्ट वेस्ट करवाने पड़ जाए, और तो हम 5-4 हज़ार रुपये ले गए थे। फिर हमने तो सुनकर एक बता धक्का ला गया था, मगर फ्री कम दे रही हूँ तो 20,000 रुपये, फिर मका चल देखी जाएगी, चाहे तो फायदा हो गया चाहे नुकसान हो गया, हमने अब 20,000 की भी फिर रिश्तेदार पर ट्रांसफर पीछे करवा के नजब ले आई। हम देखो भाई समस्याएं के हैं यार, और सारी बात बतानी मुश्किल हो जावे है। मेरे जितने भाई भी यह वीडियो देखा है, वे अगर कोई सोचा है भाई मैं समाज सेवा करूँ, कोई नहीं सोचा है कि मैं तो बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, कोई ने सोचा है कि मैं तो डॉक्टर हूँ, या जो कर भी जो जो आदमी सोचा है, याड़ा आओ भाई, स्थिति देखो। अगर आपने लगा है कि भाई इनका इलाज करवाना चाहिए, आप करवा सको हो, आपके पास कोई डॉक्टर है, कुछ मदद कर सको हो, तो ज़रूर करवाओ। अकाउंट नंबर और दे दो जी आपका। देखो भाई ये है कि फाइनेंशियली सपोर्ट मेरी दो बहनें हैं, उनकी ठीक कंडीशन है, वहाँ शादी हो रही है उनकी, तो उनकी ठीक कंडीशन में कर दे हैं सपोर्ट हमने, तो इतने ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आ रही कि बिल्कुल ही नहीं इलाज का खर्चा उठा पा रहे। अगर ऐसी कंडीशन होंगे ना, आप जरूर बता देंगे। अरे आप सब तक मेरी आज जोड़ का रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी ज़्यादा ज़रूरत है ना, हमारे तक ज़्यादा ज़रूरतमंद भी हैं जिनकी कहीं तक भी नहीं मदद हो पा रही, तो आप उसकी मदद वहाँ कर दियो। यह बात भी बहुत बड़ा दिल सी है खेण का। जब मैं शुरुआत में वीडियो कहने को था कि भाई 4,000 रुपये की दवाई ये महीने की अफोर्ड नहीं कर सकते, रिबियानों का अकाउंट नंबर को दे दी मैं, तो मैं फिर भी आपसे यूँ कहूँगा भाई यहाँ पे आओ इस गांव में और इस परिवार से मिलो। 8-9 साल इनके माँ और बाप गुजर गए भी है यहाँ पे, भाभी इसका खर्चा चला रही है, भाभी इसका जो फिजिकली मदद है वो कर रही है, इसकी जो बहनें हैं वे इसका इलाज उठा रही हैं,
तो मामला थोड़ा सा संगीन सा ही है। और इनका जो YouTube चैनल है रनीता RENITA रनीता जर्नी। हाँ, भाई। रनीता नाम कहाँ से दिमाग में आया, खुराफाती दिमाग कहाँ से आया? ना ये बात भी थी ना, पहले हमने चैनल का नाम ही नहीं मिल रहा था, फिर ये भाभी बोली चल दोनों के नाम तो नहीं, तो अपने नाम तो रख ले, उसमें थोड़ा आसान होगा। फिर मैं बोली ना तू तो मेरे साथ है, जिंदे जी भी है मेरे पाछे, तो चल जो होगा वो मरे भी है। सपने में दो चार बार तो आओगे, ये कहोगी ये मेरे तो बुखार हो गया ही थी सपने में, अरे को दियो चुन्नी मांगे थी किचन आका हूँ। ना फिर यानी बोली जब तुम्हारा इतना काम करा है नहीं, मैंने हर तरिया सपोर्ट कर रही है और चैनल में भी तू मेरे साथ आओगी, तो मैं ऐसा नाम चाहूंगा कि दोनों का नाम आना चाहिए चैनल के नाम में। अरे तो ज्यादा फिर अगर दोनों का अलग अलग नाम लिखा है तो ज्यादा लंबा हो जावे। इसका नाम था रेखा, मेरा नाम था अनीता, तो हमने रे इसके मत ले लिया, नीता मेरे मत लेकर हमने रे नीता लिख दिया, और जन नीता हमारी दोनों की ये है या RENITA चैनल का नाम। भाई मेरी बहन की लड़की है, उसने बताया था, आप बोल रही थी अगर दोनों का नाम है तो आप ऐसा कर लो। फिर हमने फाइनली ये नाम रख लिया RENITA रनीता जर्नी JOURNY जो भी स्पेलिंग हो देख लियो यार, मेरी इंग्लिश तो मेरा ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर के जाओ हो तो आप लेके जाओ फिर से डॉक्टर के। हाँ जीत भी जाना हो हम दोनों जा कर रहे हैं, मैं लेके जा रही हूँ, हाँ बिठानी उतारनी डॉक्टर के भीतर हॉस्पिटल में ले जानी लेटना जो भी है सब मैं ही करूँगी। मैं तो हर वक्त इसके साथ रहना पड़ा है कि तब बाहर जाना हो या घर में रहना हो, दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटे में इसके साथ रहूँ। दवाई दुई सारे डॉक्टर देसी दासी या होम्योपैथिक सब पे ले ली? हाँ कति हमने अपने जितने बाने थे सारे बजा के देख लिए, कति और कोई चारा रह है ही नहीं। कितने अच्छा ये छोटी सी दवाई आपकी में सुंगो थे बिरया निकी करो थे, कौन सी दवाई है वा? भाई ये कई डाल के रखने पड़ा है, ये तो हर टाइम रखने पड़ा है, कई बार जाऊं ना ये तो उठ फटने के लिए बाम ये तो नॉर्मल है, और ये हैं तीन, ये आँखें की हैं और ये भी आँखें की ट्यूब है और एक मुंह की है, क्योंकि दवाइयाँ की वजह तो सारे खुश किया रही है ना, मुंह भी सूख जा थोड़ी ज़्यादा देर बोलूँ ना बात करूँ, हाँ मुंह में लगाऊँ फिर थोड़ा सा ठीक होगा। और ये भी किसी डॉक्टर ने नहीं बताई थी ये कुछ तो इसे दवाई है जो मैंने खुद ही बना रखी है, मतलब खुद ही स्टार्ट करी है लेनी, बना हुआ तो कंपनी है पर ये मेरा खुद का ही आइडिया है कि ये करना था थोड़ा सा आराम रहा था। ये तो सारी आँख आँखें की हैं, कुछ एक दिन की हैं, ये घने दिन की कोने नहीं सोच सकते, एक घने महीने की गई उसकी, कुछ एक दिन की हैं ये जो ये नानी नानी बिंदरी महंगी है, या नानी सी 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 400 रुपया की आवा, कई दिन नहीं चलती है, या 350 रुपया की आवा है, या कई दिन नहीं चलती, महीने में कई लाग जाए ये तो है कि आँखें खें, क्योंकि बीमारी में इतनी दवाई खा रखी ना आँखें भी ड्राइनेस ज़्यादा हो रही है, खाली एक बाबा की कोने और भी बीमारी बनी हो रही है, इसके स्किन भी इतनी सेंसिटिव हो रही है, इनकी वजह से कति मड़ा है नू कर देंगे ना उड़े तो खाल ऊपर का दाने ही हो कन उड़े तो खराब हो जाएगी खाल। और ये है इसकी खान की, ये कई डाल की हैं, कुछ हैं रोहतक ले रखी हैं, कुछ हैं उसी हैं ये बाबा रामदेव की, ये भी ले हुए है पतंजलि की है, पुनर्नवादी मंडूर योगराज गुगलू होगी या योगराज गुगल गुगल हाँ गुगलू, और एक चंद्र प्रभावटी, ये रही चंद्र प्रभावटी, ये चंद्र प्रभावटी, ये गोलियां हैं भाई ये अंग्रेजी और भी रह गई हैं घने डिब्बे के डिब्बे लेने पड़े हैं, ये थोड़े बहुत हम तो काम नहीं चलता, ये भी इनू है महीने कई लिखड़ जाए इनमें कई कई डिब्बे फिर एक कभी लाने पड़े हैं। तो भाई मैंने जब वीडियो बनाई थी गठिया बा खतर बहुत देश पीड़ित है, और भाई इसका किसी के पास इलाज हो तो भाई जरूर संपर्क करें, धक्के ना खोएं, अगर आपने नू लगे भाई हमारे तो 100 का 100 इलाज है जी गारंटी शुदा है, नू ना कहो जी उड़ता सुना था और उड़ा चले जाओ ना, झूठी बात है भाई वो।
और मेरी बेबे का चैनल है रनीता जर्नी के नाम से, सब्सक्राइब करो। और इनाम जैसे काम शुरू करा है यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा गामाले ने एतराज भी जताया, लेकिन मैं गामाले से भी अरदास करूँगा कि भाई परिवार जब दुखी हो ना तो उसके साथी बनो, उलाना सा ना दो। हालांकि गांव के बहुत सारे लोग इनके सपोर्ट में भी हैं, तो फिर भी मैं यूँ ही कहूँगा कि भाई जब जीवन की जंग से लड़ना है ना तो अपने साथ दे दो जंग, तो अपने आप जीत जाऊँगे। हालांकि अभी कुछ भी सब्सक्राइबर नहीं है तो यूँ लाने हैं, जब ये हरियाणा के बड़े यूट्यूबर में काउंट होंगे ना तो गांव के लिए प्राउड की बात है यार, भाई मारे गांव में तो है ये यो परिवार, और सारे खुशी मनाओ इस बात की। तो आज इनको सपोर्ट करो, आज आपने आपकी ज़रूरत भी है, गुआंड भी ना भाई सपोर्ट करो। और मैं खैर इस गांव का पड़ोसी है, मेरा गांव मुरखी है, तो कहीं ना कहीं मेरी भी अनैतिक जिम्मेवारी है कि अगर कोई मदद की अपील करा है या कोई चैनल उठावे हैं इस पोजीशन में आकर, तो हम नैतिक कर्तव्य है कि भाई हम उसकी मदद करा। और जब आप एक विधायक इलेक्शन खातर गांव के गांव झूम जे हैं, भाई मारे गांव का मारे गांव का, तो इस परिवार ने के दोस्त कर रखे है भाई, ये तो आपके बीच में रहनिया है, आपके गिले रहनिया है, सुख दुख के साथी हैं। तो हमारी सोच यही है कि पॉजिटिव हो और भाई मदद करो। जब आपके गांव से कोई खिलाड़ी है ना इंटरनेशनल लेवल पे जीता है, तो गांव कितने बड़े लेवल स्तर पे उसकी मदद कर रहा है, स्वागत खातर आवा है। जब आपके गांव से कोई डॉक्टर बना है, तो कितने बड़े स्तर पर आप चौड़े हो गए को भी हमारे गांव के हैं। तो यूट्यूबर को भी इसी तरीके से देखो, गलत काम नहीं है, बहुत अच्छा एक साधन है यूट्यूब। और नौकरी नहीं मिलेगी तो आदमी करे भी गा के, इन्होंने नौकरी नहीं, ये सिर्फ एक समाज में जागरूकता फैलाने के लिए ये काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जागरूकता भी आवा है। जब इनसे मेरी बात हुई और जब मैं यहाँ पाया, जब ये अपनी पीड़ा सुनाओ थे ना, तो सच में नुको थे भी मेरे गोड्डे में दर्द हुआ, तो सच्ची बात है मेरे भी गोड्डे में दर्द हुआ। जब इनको जी मेरी पैर की उंगलियाँ दुख हैं, तो मैंने भी इनमें महसूस हुआ। जब हम ये चीज़ महसूस करना सीखा है ना, तभी मानवता कहीं ना कहीं हो कि भाई हाँ कोई साथ देवे है। आप सिर्फ अपने हिसाब से सोचो, हमेशा ऐसा नहीं होता। पता नहीं अमीन का मजाक उड़ा के अपने बीमारी कर ले वहाँ, इस बात ने भी सोचो। तो भाई मदद खतरा का हो, हर जगह हर तरीके से ना मदद की ज़रूरत है। आप करो क्यों कर करोगे। और मैं तो भाई यह तो है नहीं कि यह एक वीडियो खतरा अड़ाया हूँ, चाहे मेरी वीडियो चलो चाहे ना चलो, मेरे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर इनकी मदद और यूट्यूबर्स करेंगे तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, नहीं करेंगे तो भाई मैं तो चैनल छोड़ू को नहीं हो, मैं तो मदद करूँगा करूँगा किसी भी हद तक, कहीं भी कैसे भी परिवार को खुशी देने के लिए मैं तो ये काम करूँगा ही करूँगा भाई। हाँ मैंने पता है अगर मेरी इस वीडियो पे व्यूज़ नहीं आए ने तो बहुत सारे यूट्यूबर आऊँगे नहीं, क्योंकि उन्होंने पता है व्यूज़ तो आने नहीं, सारा रोला व्यूज़ का ही है। पर मैं यह बात नहीं सोचता कदे, मैं तो आऊँगा ही आऊँगा भाई। तो रेखा बे के कुछ लोग ऐसा कहना चाहूँगा, मैं तो पहले तो भाई आपने बहुत 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 थैंक यू क्योंकि आपने इतना सोचा ना। सही में पहले भी एक दो तो बात हुई थी, उन्हें बोला तो थाओगे फिर नहीं करा, मैंने सोची शायद उन्हें बेचारे बनकर दिखावना, जो ये दिखावा खां भाई ये तो गरीब है, यूँ है यूँ है, मतलब ये चीज़ हाँ हाँ, ताकि लोग हमदर्दी दिखावें और फिर देखें, हाँ देखें उनकी वीडियो ने। पर इन भाई ने तो मैंने पहले बता दिया था भाई, दिक्कतों में इतनी ज़्यादा है कि शायद ही किसी का पावेगी, एक बीमारी में 10 बीमारी हो रहे हैं। पर मैं वो चीज़ लेकर नहीं चाली दिमाग में, मैं दिखाना चाहूँ कि इतनी बीमारी तक जो जिकन है, इतनी ज़्यादा तकलीफ में भी हिम्मत तक क्यों कर जिया करें, हौसले तक क्यों कर जिया करें। और इस भाई ने मेरी बात सुनी और पहले तो साची पूछे ना, जब शाम ने बात हुई थी इतनी बढ़िया, मतलब नींद नहीं आई कहूँगी, मतलब कदे तो टेंशन की वजह तक नहीं नींद आती, उस दिन मैंने खुशी की वजह तक नींद नहीं आई। तो और पहले भाई ने बोले लाडो चिंता ना करे, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हुई यार, तो है ना कोई भी नहीं बोल रहा है मतलब इस तरीके से। हाँ मेरे भी भाई भी है ना, शर्म मानना है, ये नहीं है कि मेर नहीं है, प्यार मेर सब कुछ है, पर यार कोई यूँ बोलता नहीं। जब आपने लाडो कहा ना, ऐसा लग गया सच में आप मेरे भाई हो। हाँ और
और इंसानियत, मतलब मैं टीवी में न्यूज़ देखा करो थी ना, तो यूँ ला गया करा था कितने कितने, मतलब उसी न्यूज़ दिखा, न्यूज वाले भी वही न्यूज़ दिखावे है ना, तो सब जगह ऐसी न्यूज, मतलब हौसले आले हिम्मत आले लोग सब जगह दिखाने, पर मैं दुख आली तकलीफ आली टेंशन आली वही चीज़ दिखावे, तो वो ये देख कर तो यूँ ला गया करता इंसानियत रही है नहीं दुनिया में, सही में मैं न्यूज़ देखा ये यो ही लागे, पर आप तो बात हो और मना तो एक आधा किते न किते मिले जाए। एक आप तो बात बताऊं, हम मेला छोटा मेला लग रहा था दादा तीर्थ पे यहाँ आठ गांव में, तो हम आ रहे थे वहाँ पे मेले में, तो घर वापस आ रहे थे, तो मैं व्हील चेयर पर थी, मैं थोड़ी तेज चल रही थी, धूप थी ना, मैंने सोचा कहीं आगे छा मिलेगी ना पेड़ की छा, मैं वहाँ रोक लूँगी, और मेरी या भाभी है और एक बड़ी भाभी है, दोनों थोड़ी पीछे थी, तो एक आदमी गरीब पे लग रहा था, वो एक छोटी सी मतलब गठड़ी सी ले रहा, उसमें अपना सामान ले रहा होगा मेले में बेचन खातर, तो वो वापस जान खातर खड़ा था, तो मैं तो आगे निकल ली थी, फिर इस भाभी ने रोक के बोलिया रुकियो एक बार, पहले तो पूछा इसका के दिक्कत है लड़की का, फिर इन्हें बता दी, फिर वो 10 रुपये देने लग गया निकाल कर, ना बोला कि ये 10 रुपये दे दियो इस लड़की ने, फिर या ने बोली मेरी भाभी के ये रुपये तो या लेवे नहीं, और फिर मैं आगे भी निकल ली थी, फिर आने के बाद बताने लगी ना, फिर मैं बोली तने एक बार बताना था उस आदमी था, तो मैं चाहे कितनी अभी धूप थी मैं मिल लूँ मिल लूँ, वरना तो यूँ देख कर ना इंसानियत, हाँ कोई भी इसी इसे इंसान ना देखो ना, मैंने बहुत खुशी मिले, एक चैन आया करे, तो 2 साल पहले की बात है, मैंने एक छोटा सा पर्स है मेरा, उसकी चैन खराब हो गई, तो इस तरह बोला मैंने भाभी तक ये लगवा दिया, तो उस पर लगवान लगी ना, उन्हें पता चला कि यो मेरा पर्स है, वो देखे तो था ही मैंने आवे था घर में, तो फिर उसने रुपये नहीं लिए, तो फिर मैंने बोला भी कि आप इन दशा में तुम्हारा तो उतना फर्क नहीं पड़ा, पर मेरा मन कर है आप इतनी मेहनत करो, देखो पैदल भी आंडो है ना, इतना तो बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे थे, एक छोटा सा थैला ले रहे थे और चैन लगा दे आंडे थे, तो फिर भी उन्हें लिए नहीं, देखो इंसानियत तो अभी जिंदा तो है, और कई लोग ऐसे मिल जावे हैं, तो याद देख कर ना मैंने बहुत खुशी मिला है, और आप भी अगर किसी की किसी भी तरीके से मदद कर पाओ तो प्लीज करियो जिसने मदद की जरूरत हो। अरे भाई देखो ननद भाभी है यो प्यार मोहब्बत तो बते कदे कदे दिखाई दे, लड़ाई झगड़े हुआ कर रही है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप इनकी लग रहे हो सेवा करण ना, मैं इस चीज ने ना अपने मन तो मेरा मन मान रहा है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि भाई देख माँ बाप बहन भाई की से सब के हैं, सही बात, मेरे माँ बाप हैं या मेरे भाई हैं, ये उनका कुछ दिक्कत हो जाए तो हम भी उम्मीद करें भी मारे घर में भाभी है, और तब उनने बढ़िया तरह संगवा है, और तब मैं भी किसी की भाभी हूँ किसी की बहू हूँ, और तो मेरे तो भी कोई उम्मीद रखता होगा, और तेनू सोच का मेरा शुरू था मतलब कदे भी इस चीज़ का मैंने कोई गिलास पानी होया कि मेरे या बीमार है तो मैं क्यों करूँ, मैं अपने मन तय शुरू तय करूँ हूँ और आगे भी नुए करूंगी, आगे तो ठीक हो जाएगी क्यों वो अगर ठीक हो जाएगी ना, अरे तो मारे तो ही तो वो जो ठीक करने वाला होगा ना भगवान होगा, एक तरह धरती पर भगवान उतर का होगा जो इसने ठीक करेगा, क्योंकि हम उम्मीद कती 0% हो रही है, कती उम्मीद रही है नहीं 1% भी। तो भाई यह वीडियो सिर्फ इतनी ही, रनीता जर्नी के नाम से चैनल सब्सक्राइब करो, और मेरी बेबे ने एक कॉमेडी की वीडियो भी बना रखी, कॉमेडी नहीं वो सीरियस है, उसमें तो इनका झगड़ा भी हो रहा है उस वीडियो में, वो भी अपलोड करेंगे, वो भी देखियो, और मैंने वह वीडियो दे देंगे तो मैं भी अपलोड कर दूंगा, तो भाई लेकिन हमारा टारगेट यही है कि हमारे बेबे ठीक हुआ है, परिवार खुश रहे, यार मेरा नहीं किसके घर में के समस्याएं हैं कैसे कैसे हैं, और जो लोग पैसा होते सोते भी अगर इग्नोर कर रहे हैं तो यार मैं डराऊंगा नहीं, लेकिन बीमारी भी रहने किसका के लाग जाए भाई। यह वीडियो सिर्फ इतनी है अपनी, एक बार ना हाँ। मेरी बहन का लड़का अभी के वो भी जब बताया ना मैंने आप आने वाले हो, तो मैं बोली थी अभी तेरा नाम मिलने वाली हूँ, मतलब आप हमें सपोर्ट करने आ रहे हो, बोले क्या करेंगे मौसी जी क्या करेंगे, मैं बोली तेरा नाम मिल बताऊंगी बोलूंगी मैं उस पर, और बहुत खुश हो गया वो, अभिक सिंह नाम है उसका, और वो आइडिया देते रहा कर मौसी जी ऐसे कर लो मौसी जी ये बना लो वो बना लो, मतलब वो बेचारा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करा कर, हाँ हाँ यूट्यूब पर भी कोई भी हेल्प की जरूरत हो ना मैं उससे बोला करूँ अभी ऐसा करके दिखा ये हेल्प कर दे मेरी, बेचारा अपना पढ़ाई का काम छोड़कर मेरी हेल्प जरूर करेगा, थैंक यू अभी मित्तू धन्यवाद भाई धन्यवाद। अच्छा और नेक्स्ट जब ये कॉमेडी वीडियो बनाऊंगे तो उस वीडियो में मैं भी आऊंगा, मेरा नहीं लेंगे नहीं ले लीजिए छोटा रोल तो मेरा तो ये सामान है ना, कि अगर किसी ने देखो जब वो 10 रुपये वाला
वो आदमी, मैं उसने जब तक आखिरी सांस चलेगी ना मेरी उस टाइम तक याद करूंगी। कोई भी इतना सा भी कोई हेल्प कर दे ना, मैं ये नहीं सोची कि उन्हें मेरी हेल्प करी ना, मैं इंसानियत के नाते उन्हें भूल नहीं पाती। बाकी हेल्प की तो बार वैसे ही याद रखे हैं सब। मैं डर रहा हूँ कदे इन्होंने मैं मर भी ना गिले लेके जाऊंगा, चिंता का विषय है, लड़ो इतना ना याद कर। सुख शांति तो ये हमेशा दिन रात भगवान का हाथ जोड़ा कर। मेरे में तो जो दिक्कत हवा है, पर मेरे जो भाई भतीजे हैं भाभी इन में भगवान किसी ने क्यों दुख ना दिए हैं, ये हमारी बहुत वो कर रहा है। तो भाई यह वीडियो इतनी है, और मेरा जो गांव है मुरखी और आसपास का यो गांव गुआंड है, यो मेरा परिवार है, और यो मेरी बेबे वर्गी है यार, बेबे ही है ये मेरा भतीजा। हाँ भाई बोलो। राम राम। राम राम भाई, राम राम। अच्छा हम तो एक बार मिले थे कभी किसी स्कूल में, है ना? हाँ, मैं 8th क्लास में था जब आप तो मिला था। कौन सा स्कूल था? मेरा था आदि शंकराचार्य इस्कॉन पब्लिक स्कूल। अच्छा, आदि शंकराचार्य के नाम पे तो मेरे ख्याल से उनका कोई कंट्रोवर्सी हो गई थी, फिर इस्कॉन नाम रखा। हाँ, इस्कॉन रखा था। अब उसका फिर दोबारा बदल दिया उन्होंने, कन्वेंट कर दिया। अच्छा अच्छा। तो भाई वहाँ पे एक मस्ती की पाठशाला का एक प्रोग्राम करा था, तब मैंने मिला था, और तब के बाद आज मिले। तभी 8वीं में था, यू प्लस 1 में है। और पढ़ाई कढ़ाई कैसे चल रही है भाई? बढ़िया चल रही है। कौन सी साइड? आर्ट एंड नॉन? मेरी नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल। हाँ, पटाखू वाला क्या भाई? इनमें ऐसे भी बहुत हेल्पिंग है भाई, जो कर भाभी चली जाना किते। हाँ। जो भाभी काम करे ना, ये बांधा जोड़ी करिए तो किए देने धाने वो यो करा करे, फिर बाद में जो करूँ। तो मेरी मौसी के लड़के, उनकी लड़की भी हैं, बड़ी भाभी है भी है, पर वो अपने मतलब थोड़ा बहुत काम करके मेन महीना वो चले जा कर ना अपना काम भी करना, बाद में यही संभाला करें। तो भाई यह वीडियो अपनी राय जरूर दे दीजिएगा, और क्योंकि यार पूरे हरियाणा से तो खैर मैं चाहूँ कि मदद आवे, लेकिन मेरा जो गांव गुआंड है वो जरूर सामने आवे। यहाँ के जो विधायक है सुभाष गंगोली जी, वो एक बार इस घर में जरूर आवे, क्योंकि जब वोट मांगे करते नू क्या करते, हम थारे खातर नू करांगे नू करांगे नू करांगे, कोई नहीं आंदा, कोई कुछ नहीं करता। विधायक के पास भी एक फंड हुआ है जो 50,000 रुपये तक मदद कर सका है, एमपी के पास भी एक फंड हुआ जो 1,00,000 रुपये तक मदद कर सका है, और सीएम के पास भी जो 5,00,000 तक का फंड हुआ वो कर सके हैं। करना चाहें तो उनकी इच्छा, नहीं चाहें तो आदमी तो भाई जी में गिर मरेंगे हैं, तो और कुछ नहीं कर सकता अभी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद भारत माता की जय। थैंक यू बेबे। थैंक यू भाई। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद।